पिछले समय के अमृतपाल जी की रिहाई फड़ गिरफ्तार करने के नाम हेठ पंजाब के अंदर जो नौजवान से छद किया गया नजायज़ गिरफ्तारियां की गई उसके असी डर के खिलाफ हाँ। अकाल तख्त साहब ने श्रोमणी कमेटी को हुक्म लाया कि जेड़े लोगों के केस दर्ज किया गया जो फड़ के बाहरली जेल किया गया उन्होंने कानूनी चाराजोई करने वास्ते श्रोमणी कमेटी वकील करे और जेड़े बंदे फड़े गए उन्होंने छड़न वास्ते अप्रोच करे उन्होंने असी अप्रोच भी की आ अज पता लगा कि इन्हें लोग छड़े गए हैं चंगी गल आ माड़ी गल ग्रेवल साहब जिस ढंग के नाल जो हुण तक हो चुके अमृतपाल सिंह नूं लैके जो बयान सामने आए हैं जो मीडिया के विच चर्चावां ने जो पुलिस प्रशासन कह रही है सबूतों के आधार पर NSA लाता सब कुछ करता कि SGPC का इस वेले की स्टैंड है कि भाई अमृतपाल सिंह के नाल खड़े ने इस गल नूं जायज मानते हैं या की देखो इस गल का फैसला तो आने वाले दिनों में कोर्टा कर जो वे दोष लाए गए हैं वो दोष किन्ने सच्चे ने किन्ने झूठे ने यह तो आने वाला समा दसेगा जिहड़ा उन्हां दी कानूनी सहायता देने की गल है वो श्रोमणी कमेटी दी करेगी चाहे अमृतपाल जी हुण चाहे कोई होर लोग जिस ढंग दे नाल अग्रवाल साहब अमृतपाल सिंह दी वीडियो आउंदी है उस च ओह एक बेनती करदा है कि एक जिहड़ी सरबत खालसा जिहड़ा बुलाया जावे ते जिहड़े बंदी सिंह बनाए गए ने एक साथ जिस ढंग दे नाल गिरफ्तारियां कीतियां गईआं नौजवानां दीआं उहनां नूं छुडाउण दे लई एक रणनीति बनाई जावे एक खालसा विही शुरू कीती जावे कि तुसीं इस गल दे नाल इतफाक रखदे हो कि सरबत खालसे दी गल जदों आउंदी है तो उदों इक कथा कथित जिहड़ा सरबत खालसे दा जदों बीते दिन सभा हुंदी है तो उहदे विच जिहड़ा भाई जगतार सिंह हवारा बना दिता कि इस पूरे मामले किस तरह देखते हो देखो जी सरबत खालसा की परंपरा जी है वो श्री अकाल तख्त साहब से ही सरबत खालसा हों सरबत खालसा बुलाने का अधिकार भी श्रोमणी है तो श्री अकाल तख्त साहब ज्यादा है पिछले सरबत खालसे कितने हुए कौन वो ज्यादा बने मैं इस गल पाना चाहता ये एक अमृतपाल सिंह एक सिख है वो सिख ने अपनी एक विचार दी है श्री अकाल तख्त साहब जहदर साहब ने ये जहदर साहब का अधिकार खेत्र है कि वो इस गलू किस लैवल तक लेंगे चाहिए नहीं चाहिए इस गल जहदर साहब भी दसन क्योंकि सरबत खालसा बुलाने का अधिकार जहदर साहब नहीं है तो श्री अकाल तख्त साहब जे अज अमृतपाल सिंह जिदा कल कहा गया कि इतने आके पेश हो गए तो इतने आके गिरफ्तारी दे सकते हैं या किसी जी चर्चावं रही उसमें SGPC किस तरह देखती है कि अगर अज वो गिरफ्तारी देते रहे क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कहा कि अगर गिरफ्तारी देते रहे तो असं स्वागत करते हैं तो असी जी कोई भी किसी तरह की वधीकी नहीं करा उन्होंने देखो जी ये अमृतपाल जी देख के जोड़े पुलिस ने जिन्होंने उन्होंने तालमेल किया होगा कि मैं गिरफ्तारी तो पुलिस नहीं देनी गिरफ्तारी कुछ होनी फिर देनी नहीं तो उन्हों का जो उन्होंने गलबात हुई होगी साडा वो की दखल है असी तो इतने एक यात्रु श्रद्धालु तौर पर कोई भी इतने आता कोई भी धर्म का आता किसी वर्ग का वर्ण का आता साढ़े लिए एक यात्रु तो श्रद्धालु है वो आएगा मत्था टेकन सानू की तराज इतने कहें भी कि ना राहुल गांधी भी भेस उठा गया मत्था टेकन गया रोक लिया किसी जो किसी नहीं रोका जा सकता कोई भी इतने आता वा वो साढ़े लिए एक यात्रु तौर पर सत्कार देगा उन्हें सरेंडर करना किनू करना कदों करना किदां दा करना की शर्तां रखणियां इह उहनां दा अपना फैसला अमृतपाल सिंह या इस तरह का माहौल विगाड़दे ने ते पंजाब सरकार दे नाल खड़ के वह इस पूरे मामले में देखणगे अमित शाह दा इह बयान सी कल दा कि असीं अगर किसी तरह का माहौल अगर विगड़दा तां असीं खुद इंटरवीन करांगे ते पंजाब दे माहौल नूं किसी भी सूरत विगड़न नहीं दित्ता जाएगा चाहे कोई भी संस्था का मुखी हो असीं चाहांगे कि तुसीं पंजाब वाली ध्यान दिओ केंद्र सरकार नूं अपील करदे आं कि पंजाब वल ध्यान देण वाकई माहौल ना खराब करन इतने माहौल कौन खराब कर रहे हैं इतने सरकार कर रही है जो कोई कोई लोग कर रहे हैं ये गलू समझ की लड़ है सिखा यही कहते बलबला वा सिखा ने देश के लिए बहुत सारा काम किया देश में बनाया देश में उसारिया देश में बचाया अज देश में खड़ा रखा जो सिखा का वड्डा रोल है तो इस करके अमित शाह को असं ये गल कहने कि जरा पंजाब के हालात ने इन्हों समझ तो जेड़े इतों की सरकार दलैकियां करके पंजाब के अंदर माहौल खराब होया उस माहौल में सुलझाने वास्ते अपना दखल दे SGPC की भाई अमृतपाल सिंह को कोई अपील करना चाहती है कि सामने आन या किसी तरह इसको लेके कोई अपील करना देखो जी देखो जी बड़े चंगे समझदार एक जथेबंदी चला रहे थे उन्होंने पता वा कि उन्होंने की करना तो अपने तौर पर उन्हों का फैसला SGPC इस गल किसी तरह का दखल नहीं देगा तू लगता कि उन्होंने सामने आना चाहिए
देखो जी उस दिन मीटिंग में कई विचार आए थे, उस विचार से भी गल की उन्होंने सामने आकर फेस कर लेना चाहिए कि किस तरह के नाल संपर्क करने की कोशिश है नहीं परिवार के नाल या किसी होर तरह के नाल किसी होर बात साडा परिवार के नाल इस करके संपर्क बनाया कि जी सानू जहदर साहब ने हुक्म लाया कि उन्होंने कानूनी सजा देनी है उस गल ही असी हूँ तक पहुंच की सी उन्होंने गिरफ्तारी देनी है नहीं देनी की करनी ये चैनल में माध्यम में क्योंकि जिते भी अवंतपाल सिंह होणगे उन्होंने परिवार वाले होणगे इस गलू पूरा जो बयान है उसमें देखेंगे कि हूँ तुम उन्होंने कोई सलाह देना चाहोगे कि सामने आने या किसी तरह के नाल एच जी पी सी वालों एक मैंबर हो एक चुने हुए मैंबर हो तो की तुम हूँ कोई उन्होंने अपील या अपील करनी चाहोगे। मैं फिर ये गल कहना कि उन्होंने घर के उन्होंने साथी के अमृतपाल जी अपने आप के बड़े समर्थ ने जो ठीक समझे वो कर सानू उस गल दखल देने की मैंने लगता जो हूं तक होया सहमत हो कि ठीक रहा या फिर किसी तरह के नाल पुलिस की कारगुजारी कोई कमी आई पुलिस ने नौजवानों नजायज फड़िया उन्होंने डराया धमकाया सिखां बदनाम करने लिए इतने जोड़े हिस्ट्री के झंडे आना झंडे दिखा के खालिस्तानी बनाने की कोशिश की गई ये सारा कुछ माड़ा होया जिहड़ा कुछ उन्होंने हुण केस दर्ज किया गया कोर्ट हुण उहदा फैसला करेगी श्रोमणी कमेटी उन्होंने कानूनी सजा देगी। तुसीं नाल खड़े हो अमृतपाल सिंह दे नाल जिस मुद्दे से असीं खड़े हाँ उन्होंने हमायत जिहड़े कानून की सहायता देने श्रोमणी कमेटी खड़ी है आने वाले दिनों भी खड़ी होगी अकाल तख्त साहब ने जो हुक्म किया पूर्ण तौर पर फल चढ़ावांगे।